السلام علیکم شام دید آپ کی ویڈیو میں गर्मी लगी है भाई बुरा हाल। खैर पहुंच गया हूँ अमर भाई की शॉप पे। और अगर आप ना एक हफ़्ता बाइक ना चलाओ ना और आपके घर में बच्चे भी हो तो ये हाल होता है। ये जिस दिन आप थोड़ा सा फ्री हो ना तो उस दिन टाइम निकाल के आ जाओ। इसमें टैपर्ड पॉसिबिलिटी है हो गए हों उसके लिए टैंकी वगैरह खोलनी पड़ेगी तो इंशाल्लाह ताला उसमें स्मूथ हो जाएगी बाइक आपकी। कैपर्ड की मैनुअल सेटिंग होगी ऑटो नहीं है। बताते हैं किसी फ्री दिन के लिए बड़े ट्रिप से पहले फोन ना बोल। पहले बाइक के ऊपर बैठ के इसके शॉक देखें यानी शॉक्स कितने बैठे कितनी प्ले उसे चाहिए। हाँ क्योंकि मोनोशॉक है मोनोशॉक में अमूमन होता है आप चेन टाइट कर देते हो जब ऊपर आप बैठते हो इसका जंपिंग का जो स्टाइल है ना उसमें एक खास फेस चाहिए होता है इसे तो कई दिन ऐसा होता है चेन टाइट हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए ऊपर बैठ के पहले देखा कि आया उसे ज़रूरत है चेन टाइट हो नहीं फिर चेन टाइट समझ गए नहीं समझे इसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा अपनी बाइक। बाइक की सेटिंग हो गई है पूरी। अभी मुझे घर जाना है और घर के बाद मुझे निकल जाना है मीटअप के लिए। पहुंच गए भाई मैं डोनर कोई भी नहीं आया अभी लड़कों से मिलने हैं और नेक्स्ट ट्रिप की डिस्कशन करनी है। क्योंकि दो साल पहले की बात है मैं ट्राई कर रहा था एक बाइक लेने की कोशिश कर रहा था जो यहाँ पे लगती थी बाइक लोग जो उसकी ऐसी कैफे रेसर इन्फिनिटी लेकिन बाइक ले नहीं सका तो मैंने उसकी जगह ये बाइक ले ली। फाइनली आज वो बाइक चलाने का मौका मिला है वो बाइक है उमेर की ओनर वो बाइक ही है इन्फिनिटी कैफे रेसर। टेस्ट सारे यूट्यूबर पहचानते हैं इस बंदे को। मैं क्या सारे यूट्यूबर इस बंदे को पहचानते हैं दी होडोफाइल आपके चल रहा है चल रहा है आपने ये स्क्रीन ऑन रखे धोखा है ये तो धोखा अभी लाइट भी बंद कर ले ये लाइट ब्लिंकिंग बंद कर ले फिर तो ये धोखा मेरे साथ हुआ था पता कैसे ये इसमें ना एक फॉल्ट है मैं इसका अगर ढक्कन ओपन करूँगा तब ऑन करूँगा तब ये स्क्रीन ऑन होगी। अच्छा नहीं फॉल्ट है क्या फॉल्ट बिल्ट इन फॉल्ट अच्छा फॉल्ट है अभी यही टेस्ट करने निकल रहा हूँ यही टेस्ट होने लगा अभी मैं आता हूँ दूसरा टेस्ट इसके गियर कौन से हैं वन वन डाउन रिटर्न शिफ्ट है ठीक है करने लगे हैं भाई टेस्ट इसका। अच्छा इस बाइक के बारे में पहले बता दूं मेरा ओल्ड क्रश है न्यू क्रश तो डेफिनेटली ये है लेकिन ओल्ड क्रश मेरा ये है और ये बाइक है उमेर जामी की। चलें भाई उमेर ये राउंड लेके आ रहा हूँ मैं ठीक है नहीं
स्मूथ है, नो डाउट। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी स्मूथ होगी, लेकिन ये काफ़ी स्मूथ है। वाह, आला, हाँ बहुत आला। एक चीज़ है इसकी, थोड़ी सी सेटिंग होने वाली है इसकी। पांच लड़कों ने आ जाना था मीटअप पे, चार आ नहीं सके जिन्होंने मेरे साथ नेक्स्ट ट्रिप पे जाना है। अब मैंने ये जो मीटअप था ये प्लान इसलिए किया था कि हम नेक्स्ट ट्रिप जो है वो डिस्कस कर लेंगे। खैर, उनको मैं वैसे ही बता दूंगा नेक्स्ट ट्रिप के बारे में इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम जिस ट्रिप पे मिलेंगे वो होगा हेड मराला। हाँ, नेक्स्ट ट्रिप रिवील कर रहा हूँ, हेड मराला का ट्रिप होगा। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे गया था बाइक ट्रिप पे तो मैंने ये ट्रिप शूट नहीं किया था, लेकिन इस टाइम ये ट्रिप शूट होगा इंशाल्लाह ताला। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़। डेफिनेटली मज़े तो आ रहे हैं भाई।